Hello students, my name is Shweta Diwari and today I am going to teach you a subject English language for class 1st and 2nd. And today we are covering a topic which is noun, and we are discuss about in noun in singular and plural and the countable and uncountable. Aaj hum nouns mein singular and plural aur countable and uncountable ke bare mein padhenge. ओके तो सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ते हैं. सिंगुलर का मतलब होता है जो चीज़ थिंग्स विच इज वन. ओके कंसीडर्ड इन अ सिंगल फॉर्म. जब भी कोई चीज़ एक चीज़ को हम कंसीडर करेंगे दैट थिंग और एनिमल और अ पर्सन और प्लेस एनीथिंग वो चीज़ हमारी सिंगल यानी एक चीज़ वो सिंगल होती है तो वो सिंगुलर में आती है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ मोर देन वन, जब हम किसी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी प्लूरल में आ जाती है. सो ऑलवेज कीप रिमेंबर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वन देन इट विल कम टू द सिंगुलर, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन इट कम्स अंडर द प्लूरल. जब भी एक चीज़ के बारे में बात होगी वो सिंगुलर में आएगा, जब भी दो चीज़ों के या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी तो वो प्लूरल में आएगा. जैसे कि बॉय फॉर एग्जाम्पल. ओके अब बॉय में क्या हो गया, एक लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बॉय कर देंगे. अब अगर किसी ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी लड़कों के ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो हेयर वी विल कंसीडर इट एज अ बॉयज़. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयज़ कर देते हैं. तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सिंगुलर में हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है, पर जब हम सिंगुलर से किसी चीज़ को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो या तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हम ई एस का या एस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने लिया सिंगुलर, अब अगर एक पेन सपोज मैंने यहाँ पे बॉल बनाए. ओके ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मोर देन वन बॉल बनाए. ओके सो व्हाट डज इट मीन, अब देखिए ये हमारी सिंगल है और यहाँ पे थ्री बॉल्स है. राइट, दिस इज कंसीडर एज अ वन बॉल, तो हम यहाँ पे इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे बॉल. मगर यहाँ पे जो है तीन बॉल है, यानी कि बॉल्स यहाँ पे एक से ज्यादा हैं, तो वी विल कंसीडर इट एज अ बॉल्स. ठीक है, एस लग जाता है. सो ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर फॉर्म इट विल कंसीडर्ड एज अ सिंगल, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल फॉर्म सो वी विल ऐड ईदर एस और ई एस. ओके जैसे कि और एग्जांपल्स आप देख लीजिए यहाँ पे पेन, जैसे कि पेन का अगर हम पेन लिख रहे हैं, अब हमें इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर पेन्स हो जाएगा. ओके आइसक्रीम है, आइसक्रीम को अगर हमको प्लूरल पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आइसक्रीम्स हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आइसक्रीम की बात हो रही है और यहाँ पर मेनी आइसक्रीम्स की बात हो रही है. ओके सो द सेम रिलेटेड टू दिस टॉपिक देयर इज द एक्सरसाइज विच इज गिवन इन योर बुक्स. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल please do that exercise so that this topic will more clear to you. Now next we will come to the countable and uncountable. ab hum countable aur uncountable ke bare mein baat karenge. see countable ka matlab hota hai jis cheez ko count kiya ja sake. theek hai, aur uncountable ka matlab hota hai the things which cannot be count. okay जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल में आप किस किस को, जैसे कि सपोज मान लीजिए अगर पेन है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं. हम जो है ब्रेड को काउंट कर सकते हैं. राइट, हम जो है बॉल्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर आ जाएंगी, काउंटेबल के अंदर. पर क्या हम अनकाउंटेबल चीज़ जो है उसके अंदर कौन सी चीज़ आती है जिनको काउंट नहीं किया जाता, विच कैन
not be count, okay? For example, क्या हम milk को count कर सकते हैं? नहीं, right? क्या हम sand को count कर सकते हैं? No. क्या हम rice को count कर सकते हैं? No. ठीक है? So these things, butter, can we count a butter? No. So that means कि वो चीजें जो कि हमारी काउंट नहीं हो सकती वो हमारी अनकाउंटेबल नाउंस में आती हैं. जो चीज़ों को हम इजीली काउंट कर सकते हैं वो हमारी काउंटेबल नाउंस में आती हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ. ठीक है, अब आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि हमारी चॉकलेट्स हो गई, हमारे बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे काउंटेबल नाउन पे आ सकती है. क्यों? क्योंकि इनकी एक तरीके से काउंटिंग हो सकती है. मगर अगर आपसे बोला जाए फॉर एग्जांपल कि आप जो है अनकाउंटेबल, मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, शी हैज अ कॉफी और डॉग. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा शी हैज अ कॉफी और डॉग. ठीक है, तो इसमें जो है आपका, अगर मैं इसमें बोलूं कि जस्ट आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन क्या होगा? डॉग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉफी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो कॉफी हमारी जो है वो कंसीडर हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन में, और हमारा डॉग जो है वो कंसीडर होगा काउंटेबल नाउन में. ओके, आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आई हैव अ पेंसिल और शुगर. अब अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन. तो पेंसिल जो है वो हमारी काउंटेबल नाउन है. अगर आपके सामने बहुत सारी पेंसिल्स रख दी जाए, स्टिल यू कैन बी एबल टू काउंट दी पेंसिल्स. बट शुगर आपके सामने कितनी भी कम और कितनी भी ज़्यादा रखी जाए, हम उसको काउंट नहीं कर सकते. तो यानी कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? शुगर. शुगर इज आवर अनकाउंटेबल नाउन. सो दिस इज द मेथड टू नो, टू आइडेंटिफाई दैट वॉट इज इन काउंटेबल नाउन एंड वॉट इज इन अनकाउंटेबल नाउन. सो स्टूडेंट्स, वेन एवर इट कम्स टू यू दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, सो द थिंग्स विच कैन बी काउंट, which can be, you know, counting in numbers, that things can be a countable noun, and the things which cannot be count, those are the uncountable noun. Okay, so there is an exercise of both the topics related to these topics. You have an exercise in your books. I would request you to all, please go with the exercise. If you have any doubt, you can ask me at any time. You can clear while, you know, when you are doing those exercises, this topic should definitely clear to you all. So thank you so much. I hope you like this video. And here I'm going to end my video. Till the time, keep learning, keep studying. Have a good day.